हेलो एवरीवन स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने HNX मींस हर्माइट, आपके पास जो फंक्शन होता है हर्माइट पॉलीनोमियल, उसके लिए आपने जो एक फाइंड आउट किया था फॉर्मूला -1^n e रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर डी रेज टू द पावर एन डी एक्स एन ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आज के लेक्चर में हम लोग इसका एक और फॉर्मूला डिराइव करेंगे, दैट इज़ HNX इज इक्वल टू 2^n एक्सपोनेंशियल ऑफ -1/4 d2/dx2 और फिर ब्रैकेट के बाहर आपके पास क्या आ जाएगा एक्स रेज टू द पावर एन। तो सबसे पहला काम हम आज जो यहाँ करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस वन, आपको ये यहाँ कंसीडर करने की जरूरत नहीं है एक्स एन, आप सिर्फ इसको क्या करो समेशन की फॉर्म में लिख दो। तो समेशन की फॉर्म में जब आप इसको लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, समेशन एन इक्वल टू एक्सपोनेंशियल टर्म है समेशन में लिखना है एन इक्वल टू 0 to ∞ 1/n^n, ठीक है, -1/4 d2/dx2, ठीक है, और साथ में n आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि e रेज टू द पावर x जो है उसको हम लिख सकते हैं समेशन n इक्वल टू 0 to ∞ x रेज टू द पावर n बाय n फैक्टोरियल, आप लोग जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो सेम काम मैंने यहाँ किया, एक्सपोनेंशियल ऑफ x जब चलता है तो इस तरह से होता है, अब x के प्लेस पे ये पूरा चल रहा है तो मैंने वही किया 1/n फैक्टोरियल जो x के प्लेस पे चल रहा था उसको लिख दिया, क्लियर हुआ इतना। अब मुझे क्या करना है, जो मुझे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, नाउ एक्सपोनेंशियल ऑफ -1/4 d2/dx2, ठीक है, मैंने क्या किया साथ में e रेज टू द पावर 2tx ये मैंने कंसिडर किया, ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू, अगर मैं एक सेकेंड, अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ समेशन n इक्वल टू 0 to ∞ 1/n^n -1/4 d2/dx2, ठीक है, और पावर कितनी चल रही है n, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया भैया आपने e रेज टू द पावर 2tx, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या किया देखना ध्यान से, इसने क्या किया समेशन n इक्वल टू 0 to ∞ 1/n^n, ठीक है, यहाँ क्या लिया -1/4, ये जो 2 चल रहा है ना, ये जो आपको 2 दिख रहा है इसने क्या किया इसको ऐसे लिख दिया 1/10 और ये जो यहाँ 4 था इसको इसने 2 बना दिया, क्यों ना हम इसको ऐसे लिख दें 2 पावर बाहर ले सकते हैं, n पावर पहले से है तो क्या आ जाएगा 2n और मल्टीप्लाई किससे कर रखा है आपने e रेज टू द पावर 2tx, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट स्टेप में समेशन n इक्वल टू 0 to ∞ 1/n^n, ठीक है, पावर कितनी है 2n, सेपरेट हो सकती है कर दो, -1/2 -1/2 पावर कितनी है 2n, बाद में हम सेपरेट कर लेंगे, d^2/2n/dx^2n और मल्टीप्लाई किससे कर रखा है e^2/2tx, इतना समझ आया बच्चों, इसको थोड़ा सा करेक्ट करना है यहाँ से, -1/4 d2/dx2 की पावर n चल रही है तो आप -1 की पावर n को पहले ही आप यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, तो -1 की पावर n आपका बाहर आ जाएगा, ये आपका इस तरह से चलेगा, ठीक है, क्योंकि n पावर है ना, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, तो -1 की पावर n, यहाँ भी -1 की पावर n, बाकी सेम रहेगा आपका। चलिए तो नेक्स्ट स्टेप में देखना, -1^n/n 1/2^2n d2n/dx2n अप्लाई किस पे, क्योंकि ये तो क्या है ऑपरेटर है, किसी ना किसी फंक्शन पे ऑपरेट हो गया। अब ध्यान देना इस चीज़ पे, समेशन n इक्वल टू 0 to ∞ -1^n / n 1/2^2n एज इट इज़, ये तो हो गया। अब मुझे इसका कितने बार डेरिवेटिव करना है, 2n टाइम्स डेरिवेटिव करना है, पहले आप यहाँ देखो एक बार ध्यान से, मैंने किया dx3 ऑफ e रेज टू द पावर कि जो भी है आपके पास से 2tx, मैंने इसका 3 टाइम करना है, तो मैंने फर्स्ट टाइम जब किया इसका, ध्यान देना जब मैंने इसका फर्स्ट टाइम किया तो क्या हुआ विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो क्या आएगा d2/dx2, अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो e रेज टू द पावर एक बार डेरिवेटिव किया 2tx, 2tx का करोगे तो 2t आ जाएगा, अब फिर से इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2t एक बार फिर से आएगा, तो इसका मैंने स्क्वायर कर दिया d/dx ऑफ e टू द पावर 2tx, आप इसका फिर से डेरिवेटिव करोगे तो 2t की पावर कितनी आ जाएगी 3 और ये आ जाएगा e टू द पावर 2tx। तो इस एग्जांपल की हेल्प से मैंने आपको क्या समझाना था कि जब 3 टाइम कर रहे हैं तो 2t की पावर कितनी आ रही है 3, ठीक है, 5 टाइम करेंगे तो 2t की पावर कितनी आएगी 5, अगर इसी तरह से मैं 2n टाइम्स कर दूं तो आपके पास क्या आएगा 2t की पावर कितनी आ जाएगी 2n, तो यहाँ वही करना है आपने,
टू टी रेज टू द पावर टू एन ई रेज टू द पावर टू टी एक्स, ठीक है, ये आएगा आपके पास। नाउ अब आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, ध्यान दो यहाँ पे देखो एक बार। सो दिस इज इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन रेज टू द पावर एन डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल। यहाँ से देखना टू टी की पावर टू एन है ना, इसको सेपरेट कर दो, टू रेज टू द पावर टू एन टी रेज टू द पावर टू एन, क्लियर। नीचे है टू रेज टू द पावर टू एन और इधर है ई रेज टू द पावर टू टी एक्स, क्लियर हुआ। तो टू रेज टू द पावर टू एन से टू रेज टू द पावर टू एन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, अब ये इंडिपेंडेंट है एन से, इसको बाहर लिख सकते हो। समेशन एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन रेज टू द पावर एन एन फैक्टोरियल टी रेज टू द पावर टू एन, क्लियर है। अब यहाँ देखो इसको एज इट इज रखो ई रेज टू द पावर टू टी एक्स। अब यहाँ ध्यान दो आपको ये अगर मैं कहूँ यहाँ से माइनस वन की पावर एन टी रेज टू द पावर टू एन डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल, ठीक है, तो इसने देखना कैसे किया, इसको ऐसे लिख दूँ माइनस, देखो एन पावर है ना, कितनी पावर है एन, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख दूँ, ध्यान देना इस चीज़ पे, टी की पावर टू पहले से है उसको मैंने लिख दिया ऐसे ही एन, ठीक। यहाँ क्या चल रहा है माइनस वन की पावर एन, नीचे लिखा मैंने एन फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको कंबाइन कर दो, ई रेज टू द पावर टू टी एक्स समेशन एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस इसके साथ कंबाइन कर दो तो माइनस टी स्क्वायर पावर कितनी आएगी एन डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल, क्लियर हुआ इतना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, ये जो फॉर्मूला है ये किसका बन जाएगा इस बार, ई रेज टू द पावर माइनस टी स्क्वायर, तो लिख दो इसको टू टी एक्स इंटू ई रेज टू द पावर माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि तो उसी का फॉर्मूला होता है। सो कंबाइन करोगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, ई रेज टू द पावर टू टी एक्स माइनस टी स्क्वायर, ठीक है भाई। एंड यू नो दिस इज इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी, ये तो पता ही जनरेटिंग फॉर्मूला हमें, एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एच एन एक्स टी रेज टू द पावर एन बाई एन फैक्टोरियल, क्लियर हुआ। तो आप ये किसके इक्वल लेके चले थे भाई, आप लेके चले थे समेशन एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी टू टी एक्स, ठीक है, पावर क्या थी एन, नीचे क्या था एन फैक्टोरियल, ठीक है, ये था आपके पास। और साथ में क्या था, एक्सपोनेंशियल वाली एक टर्म थी उसको भी लिख दो, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस वन बाय फोर, ठीक है, डी टू बाय डी एक्स टू, ये थी, क्योंकि एक्सपोनेंशियल माइनस वन बाय फोर डी टू बाय डी एक्स टू इंटू में आपके पास ये चल रहा है। नाउ दिस इज इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एच एन एक्स टी रेज टू द पावर एन बाय एन फैक्टोरियल, ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको ये आता था, फिर हमने ये वाली टर्म मुझे चाहिए थी ये मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, दोनों साइड टी की पावर एन को कंपेयर करना है, क्या करना है, टी की पावर एन को कंपेयर करना है दोनों साइड। देखना इधर मैं अगर टी की पावर एन जाऊँ करने तो आपके पास टू की, देखो टी की पावर एन टू की पावर एन एक्स की पावर एन, तो टी की पावर एन का कोफिशियंट क्या है, टू रेज टू द पावर एन एक्स रेज टू द पावर एन डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल और साथ में एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस वन। तो लिखो टी की पावर एन का कोफिशियंट कंपेयर किया, एक्सपोनेंशियल माइनस वन अपॉन फोर डी टू ओवर डी एक्स टू, ठीक है, साथ में आ जाएगा टू रेज टू द पावर एन एक्स रेज टू द पावर एन डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल इक्वल टू एच एन एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा, एच एन एक्स की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस वन ओवर फोर डी टू ओवर डी एक्स टू, डी टू ओवर डी एक्स टू, साथ में इसने टू की पावर एन बाहर यहाँ लिया हुआ है तो आप इसको यहाँ रख दो और एक्सपोनेंशियल एक्स की पावर एन को बाहर बाद में लिखा हुआ है आप ऐसे लिख दो, अदरवाइज ऐसे लिखोगे तो भी ठीक है। एच एन एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस वन ओवर फोर डी टू ओवर डी एक्स टू टू रेज टू द पावर एन एक्स रेज टू द पावर एन, क्योंकि हम कॉन्स्टेंट को आगे रखते हैं और एक्स की पावर्स को पीछे रखते हैं, दैट्स वाई। तो ये न्यू फॉर्मूला आ गया आपके पास, आप चाहें तो इससे अपनी पॉलीनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं और पहला वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था आप उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं।